नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हम बहुपदों का योग और अंतर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनफल। ठीक, बहुपद आपको हम बताए दिए हैं क्या होता है। मान लीजिए जैसे हमारा एक एक्स हो, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई हमको वाई से करना, तो क्या होगा हमारा एक्स वाई। ठीक, वहाँ जैसे जुड़ जाता था बहुपद, जो जो हमारा क्या है, एक एक्स क्या है, चर है, और ये दूसरा चर है, यानी कि इसका जुटेगा नहीं, केवल ऐसे एक्स वाई के रूप में ये लिख दिया जाएगा। अगर हम कह रहे हैं एक्स वाई, तो समझ लीजिए हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में कह रहे हैं। आ रहा समझ में? यानी कि बहुपदों का गुणनफल पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले हम चिन्ह को लेकर चलेंगे। क्या अगर मान लीजिए अगर माइनस एक्स गुणे वाई रहे, तब क्या होगा हमारा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अगर माइनस एक्स गुणे माइनस वाई रहे, तब क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये हम जो हमारा अगर प्लस का गुणा अगर प्लस में करते हैं मान लीजिए, तो क्या होता है हमारा, इक्वल प्लस होता है। ठीक, ये जो चार लिखवा रहे हैं हम, उसको यही पूरे गुणनफल में हमें हमको काम आने वाला है। तो सबसे पहले इसी को ध्यान दे दीजिए, मतलब क्या होगा अगर ये आप कहीं मिस्टेक करते हैं, तो गुणनफल आपका आसानी से हो जाएगा। आराम से बस एक ही स्टेप आप बढ़ते चले जाएंगे। अगर प्लस माइनस में कहीं भी मिस्टेक किए, तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए, अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं, तो क्या होता है हमारा, माइनस होता है। और माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं, अगर माइनस का गुणा मान लीजिए प्लस में करते हैं, तो भी क्या होता है, माइनस। और माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं, तो क्या होता है, प्लस होता है। यही हमको, यही चार हमको याद रख के आगे बढ़ना है। बस अगर ये आपको याद रहे, तो आराम से गुणनफल किसी भी बहुपद का आसानी से निकलना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक, तो हम छोटे से बड़े पहले कुछ नॉर्मल नॉर्मल से देखेंगे। मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं एक्स गुड़े माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक, तो एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ जाएगा, और वाई क्या है, ये भी माइनस है, यानी कि पहले इसका अगर कर रहे हैं हम, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, अब केवल ऐसे ही हम इसको साथ रख दिए हैं, लेकिन एक्स इंटू यहाँ एक्स पहले है, अब एक्स और एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ, जब ये जुटेगा तो स्क्वायर के रूप में जुटेगा। आ रहा समझ में? यानी कि दो बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि उसको दो बार उसका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए दूसरा देख लेते हैं, माइनस एक्स गुड़े वाई इंटू माइनस वाई। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस एक्स हो गया, और ए वाई मिलकर वाई स्क्वायर, लेकिन माइनस है हमारा, माइनस है, तो हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब फिर और माइनस माइनस क्या यहाँ पर है, माइनस माइनस हो गया, हमारा पूरा क्या आ जाएगा, प्लस में हमारा आंसर आ गया, यानी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, इस तरह हम स्टेप बाय, यही यही चार मेन है हमारे, यही अगर ए आप कहीं भी प्लस माइनस मिस्टेक नहीं करते हैं, तो हमारा सवाल एकदम सही आएगा आंसर। ठीक, तो चलिए कुछ सवाल लगा लेते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला अगर हो 2x+y, ठीक, और x+y, ठीक, तो बारी बारी से इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर वाई का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करेंगे। यानी कि अगर दो बहुपद इसमें है और दो इसमें है, यानी कि पूरा हमारे चार बहुपद बनेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक को पहले लिख लीजिए, अगर 2x × x, यानी कि 2x का गुणा x में किए हैं, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 2x × y। ठीक, फिर अब y का गुणा करेंगे इन इन दोनों में, तो y × x + y × y। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लिख भी सकते हैं। यानी कि अब देखिए, इनको और इनको और इनको अब मल्टीप्लाई करके क्या होगा हमारा, अलग अलग देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पे पहले से है, और एक्स यार एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 पहले से है, और यहाँ पर xy + xy + y² यहाँ तक तो हमारा मल्टीप्लाई काम आया है। लेकिन इसके बाद जो भी हमारा जुटेगा या घटेगा, उसको हम जोड़ या घटा लेंगे। तो क्या देखिए, कुछ जुड़ने लायक है हमारा, एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं है, लेकिन एक्स वाई है ना, तो 2x², एक एक्स वाई यहाँ पर है, और एक यहाँ 2xy है, और यहाँ एक एक्स वाई, यानी कि 3xy + y². ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ना है, अगर चाहे छोटा मल्टीप्लिकेशन हो चाहे बड़ा हो, आपको घबराना नहीं, बस केवल बेसिक याद रखना हमको क्या करना है। ठीक, तो आइए देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 2x-3y प्लस, नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, तो दूसरे कोष्टक में अगर दो कोष्टक है सेम, तो यहाँ पर क्या समझ लीजिए मल्टीप्लाई लगा है। ठीक, तो और 2x-y और x प्लस 2y देख लीजिए। अब इसमें माइनस है और यही हमको ध्यान रखना है, क्या कब क्या माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या 2x क्या गुणा x में करेंगे, यानी कि 2x इन 2x, अब 2x का गुणा 2y में करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर प्लस, यानी कि प्लस लिखेंगे 2x इंटू 2y, यहाँ पर माइनस है ठीक, और यहाँ पर क्या है प्लस, यानी कि प्लस माइनस क्या बताएं अभी हम, माइनस, यानी कि 3y इंटू x। ठीक, और यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि माइनस, यानी कि 3y इंटू 2y। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x² प्लस 4xy माइनस 3xy माइनस 6y² बस। अब देखिए कोई जुटने घटने लायक है इसमें, तो x² कहीं पर रहना ही है, यानी कि इसको हम लिख लेंगे ऐसे, प्लस देखिए यहाँ 4x y है और यहाँ 3xy, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि जो ज़्यादा, ये हमारा क्या, हमारा प्लस वाला ज़्यादा है, यानी कि प्लस का चिन्ह लिखेंगे, जो ज़्यादा रहेगा अगर यहाँ अगर 5 रहता है तो ये क्या माइनस वाला ज़्यादा रहता है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, माइनस लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ज़्यादा रहेगा पहले उसका चिन्ह लिख देंगे, और यहाँ 4 है यहाँ 3, यानी कि xy केवल बचेगा और माइनस 6y² ठीक, आ रहा समझ में। अब देख लीजिए नेक्स्ट सवाल, मान लीजिए हमारा हो क्वेश्चन नंबर 3, मार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मान लीजिए अगर 3x² प्लस 4x प्लस 6 ठीक, और यहाँ 4x प्लस 4x प्लस 5 ठीक, कुछ भी मान लीजिए दिया हो, तो क्या करेंगे हम, सिंपल से बस चलेंगे, चाहे इसका मल्टीप्लाई इन इन दोनों में कर लीजिए, फिर इसका इन दोनों में, फिर इसका, चाहे इन दोनों का इधर कर लीजिए, अगर ऐसे करना तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देख लीजिए मान लीजिए अगर 3x² इंटू 4x करेंगे पहले, उसके बाद प्लस 3x² इंटू 5 प्लस 4x इंटू 4x, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों में ठीक, 4x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 5 ठीक। अब क्या होगा हमारा, प्लस 6 इंटू 4x ठीक, 6 इंटू 4x हो गया। अब क्या होगा, 6 इंटू 4x और प्लस 6 इंटू 5 ठीक, मान लीजिए यहाँ पर इतना आ गया। अब इक्वल कितना लिखेंगे हम, देखिए यहाँ इसको और इनको अलग अलग क्या मल्टीप्लाई कर हम लिख पहले लिख लेंगे ठीक, क्या होगा 4 × 3 = 12 x³ प्लस 3 × 5 = 15 x² प्लस 4 × 4 = 16 x² हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 x, और यहाँ 4 × 6 = 24 प्लस 24 x, और यहाँ 5 × 6 = 30 हो जाएगा हमारा ठीक। अब तक हम क्या कर, अभी तक हम क्या किए, मल्टीप्लाई बस किए। अब देखिए कोई जुड़ने घटने लायक हो उसको हम जोड़ घटा लेंगे, तो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब कहीं पर नहीं है, यानी कि हम इसको ऐसे सेम लिख देंगे, प्लस स्क्वायर है यहाँ पर भी है और स्क्वायर यहाँ पर भी है, इंद्रिय 15 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 31 हो जाएगा, 31x², यहाँ 20x है, यहाँ पर 24x है, यानी कि 44x प्लस 44x प्लस 30 ठीक, क्या क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। तो सवाल कितना भी बड़ा हो बस आसानी से उसको बस एक एक स्टेप करते रहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, बस घबराना नहीं, बस जो चार बताए थे किसका जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, उसमें प्लस माइनस दोनों को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए,
फोर एक्स माइनस वाई प्लस फाइव, ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब प्लस माइनस आ रहा है, अब ध्यान रखना है कि कब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा, बस यही चारों चीज़ें याद रखनी है। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए, यानी कि फोर एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं इसको तो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एक एक स्टेप देखिए, ठीक। प्लस का यहाँ पर प्लस, यानी कि प्लस हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, यानी कि पहले माइनस लिखेंगे हम, और फोर एक्स इंटू टू वाई, ठीक। और फिर प्लस देखिए, अब फिर प्लस आ गया यहाँ पर, यानी कि फोर एक्स इंटू थ्री, ठीक। प्लस नहीं देखिए, माइनस यहाँ पर है, अब माइनस का वाई, यानी कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यानी कि माइनस रहेगा, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर क्या देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वाई इंटू टू वाई, ठीक। अब वाई इंटू टू वाई हो गया, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, ठीक। वही चारों याद कर लीजिए, आपका गुणनफल समझ लीजिए पूरा एकदम खत्म, ठीक। बस एक एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, यानी कि माइनस वाई इंटू थ्री, ठीक। अब क्या है, अब फाइव का गुणा करेंगे तीनों में तो फाइव इंटू एक्स स्क्वायर, अब माइनस है यहाँ पर, यहाँ पर प्लस है, यानी कि फाइव इंटू टू आई, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि फाइव इंटू थ्री। हम कुछ किए अभी, क्या करें उसको, बस साथ साथ लिख दिए, अभी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, अब मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं इनका 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 सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ठीक। तो देख लेते हैं, देखिए फोर एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब ही होना होगा, यानी कि दो दो यहाँ पर है और एक है, और एक इस पर, यानी कि क्यूब हो जाएगा हमारा, माइनस चार दूनी आठ एक्स वाई, और यहाँ पर चार तीन बारह प्लस बारह एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई स्क्वायर और माइनस थ्री वाई प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टी पंद्रह, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ जुटने घटने लायक है इसमें, एक्स क्यूब कहीं पर है इसमें, देखिए एक्स क्यूब नहीं है कहीं, यानी कि फोर एक्स क्यूब पहले हम लिख लेंगे, बस एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक। तो हम लिख लिए फोर एक्स क्यूब, उससे उसके बाद देखिए एक्स वाई अलग कहीं पर है, एक्स वाई वाला कहीं पर, देखिए एक्स वाई कहीं पर नहीं है, नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम इसको, इसको भी वैसे लिख लेंगे हम आठ एक्स वाई, ठीक। अब बारह एक्स यहाँ पर है और एक्स वाला कहीं पर है, देखिए एक्स वाला भी कहीं पर नहीं है, क्या करेंगे हम, सेम लिख लेंगे प्लस प्लस बारह एक्स, ठीक। देखते जाइए कहीं मिस्टेक ना हो रहा हो, देखते रहिए बस, बारह एक्स वाई यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर वाई कहीं पर है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहीं पर नहीं, इसको भी क्या है? सेम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर कहीं पर है, वाई स्क्वायर भी कहीं पर नहीं है, यानी कि प्लस टू वाई स्क्वायर, वाई कहीं पर है, हाँ देखिए वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक, वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे हम, थ्री वाई लिख लेंगे पहले इसको, यहाँ थ्री वाई है और यहाँ टेन वाई है, यानी कि और दोनों माइनस है, यानी कि जब माइनस माइनस, और हम योगफल में क्या बताए थे, जब दोनों माइनस रहता है तो माइनस लिखा जाता है, लेकिन वो संख्या क्या है जुड़ जाती है, यानी कि दस और तीन तेरह वाई प्लस क्या हो जाएगा हमारा फाइव एक्स स्क्वायर ना, इसके बाद क्या है फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस फिफ्टी, यानी कि पंद्रह, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। एक सवाल नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट रहेगा हमारा, इसके बाद हमारा गुणनफल समझ लीजिए आप, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन अलग से अभी ये केवल बेसिक है कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन का जब सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें केवल क्वेश्चन ही बस रहेगा, पूरे क्वेश्चन को हम
सॉल्व करेंगे अलग अलग तरह से, जिस तरह से भी क्वेश्चन दिया होगा बुक में उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देख लीजिए। तो हमारा जैसे मान लीजिए 2x + 4y - 5, ठीक, और 2x - y, ठीक, ऐसे मान लीजिए दे दिया हो। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, बस एक एक स्टेप को आगे बढ़ते चलना आराम से। बस क्या करना है हमको, 2x का मल्टीप्लाई फिर 2x में कर देना है। ठीक, अब y में, अब इसका इन दोनों में, इसका भी इन दोनों में और इसका भी इन दोनों में, बस आराम से करते रहना। बस प्लस माइनस का, ये देखिए प्लस माइनस का बस ध्यान रखना, कहाँ पर प्लस लगाएंगे। अगर आप एक भी जगह प्लस की जगह अगर माइनस लिखें तो पूरा सा गलत हो जाएगा। ठीक, तो सावधानी से लिखते रहे, मतलब आराम से बस इसको, यानी कि क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, यानी कि आराम से बस आपको सॉल्व करना है, बस एक एक स्टेप, और स्टेप आपको याद रखना कि कब क्या करना है, कब क्या लिखना है। ठीक, तो चलिए देख, 2x - 2x, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, यहाँ पर तब क्या लिखेंगे हम, माइनस। ठीक, एक एक स्टेप 2x - y, अब फिर क्या करेंगे, 4x का गुणन दोनों करेंगे, बल्कि प्लस 4y - 2x। ठीक, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यानी कि माइनस लिखेंगे हम 4y - y, और यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस पहले 5 - 2x, और माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, दोनों प्लस हो जाएगा 5 - y। ठीक, अब इसको अलग अलग क्या करें, मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 4x² - 2xy प्लस 4x² - 4y² - 5x + 5y। ठीक, देख लीजिए वाई स्क्वायर कहीं पर है इसमें, नहीं है, यानी कि 4x² लिख लिए हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है इसके बाद, 4x² के बाद हमारा क्या है, xy आ रहा है, यानी xy वाला पद कहीं पर है, देखिए इसमें यहाँ पर है, यहीं पर मिल गया हमको। ठीक, यानी कि ये माइनस में है, प्लस में है, यानी कि प्लस वाला ज़्यादा है, यानी कि प्लस हम पहले लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अब उसके बाद 8 - 2 = 6xy, उसके बाद क्या है, xy² है, यानी कि y² आगे कहीं पर नहीं है, यानी कि -4y² और x भी कहीं नहीं है, यानी कि -10x, और y कहीं भी नहीं, यानी कि +5y। ठीक, अगर आप इसको एक सीरीज में लिखना चाहते हैं, यानी कि घटते हुए बढ़ते, मतलब y के घटते हुए क्रम में लिखेंगे चाहे x के, लेकिन अगर मिक्स कर अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा हमारा, 4x² - 10x + 10x होगा ना, प्लस 6xy, उसके बाद क्या होगा हमारा, प्लस 5y - 4y². ठीक, अगर लिखना चाहते हैं तो, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या, ये दोनों सही हैं आंसर। ठीक, तो आज के बस लिए इतना ही, आगे हम बहुपदों का भाग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।